राजनीतिक पार्टियों द्वारा बयानबाजी तो आम बात है, पार्टियां अक्सर अपने राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी पार्टियों के ऊपर कोई न कोई जुबानी प्रहार करती रहती हैं, और कभी कभी पार्टियों के इस बयानबाजी से लोकतंत्र को मजबूती भी मिलती है। वहीं कभी कभी पार्टियां अपनी नाराजगी जताते हुए विपक्षी पार्टियों पर ऐसा बयानबाजी कर देती है जिससे कभी कभी राजनीति में हलचल मच जाती है। हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। दरअसल एक दिन पहले ही उन्होंने अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे बच्चियां बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब छत्तीसगढ़ में पुलवामा से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए तब उसको अलग थलग करने की बात नहीं हुई, उनके छात्रों को परेशान नहीं किया गया। साथ उन्होंने बीजेपी के दोहरे चरित्र के बारे में बताते हुए कहा कि जब हम घाटी में हालात सुधारने के लिए बातचीत के लिए कहते हैं तो हमें एंटी नेशनल बता दिया जाता है, लेकिन जब पीएम मोदी सऊदी प्रिंस से मिलते हैं तो उसे देश के हित में साझा बयान कहा जाता है। इतना ही नहीं, देश में पुलवामा हमले के बाद जानबूझ के इस प्रकार के हालात बना दिए गए हैं जिसके कारण एक खास समुदाय को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। पंजाब केसरी में छपी खबर के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि होटलों में बोर्ड लगाया गया है कि हम किसी को भी कमरा दे देंगे लेकिन कश्मीरियों को नहीं देंगे, क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा। साथ उन्होंने कोलकाता में कश्मीरी छात्र की पिटाई की भी निंदा की। राजनीतिक पार्टियों द्वारा पूर्ण रूप से यह कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके वो कश्मीर में हुई इस घटना का चुनावी रूप से फायदा उठा सकें, और मीडिया भी इस मामले में पार्टियों का पूरा सहयोग करती दिख रही है। उमर अब्दुल्ला के दिए गए इस बयान से एक बात तो जरूर साबित होती है कि देश में मौजूदा सरकार किस तरह से एक खास समुदाय के प्रति अपने दोहरे चरित्र को दिखाती है। प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर सबका साथ सबका विकास जैसी कितनी बड़ी बातें ही क्यों न कर लें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बीजेपी पार्टी हमेशा से ही हिंदुत्व विचारधारा को तवज्जो देती आई है, और इसी कारण ही आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं जहां किसी विपक्षी पार्टी के नेता द्वारा मौजूदा सरकार पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।